जब नादिर शाह दुर्रानी जब इसने हिंदुस्तान पर हमला किया और कब्जा वब्जा कर लिया, हालात नॉर्मल हो गए, तो नादिर शाह दुर्रानी का एक वजीर शिया था जिसका नाम था मेहदी। मेहदी ने कहा नादिर शाह से कि भाई अब तो सब हो गया, अब हमको इजाजत दीजिए, मैं जरा नजफ जाना चाहता हूं। नजफ काहे के लिए? कहा हजरत अली अलैहिस्सलाम की जियारत को, मौला की। नादिर ने कहा तुम लोग भी शिया लोग अजीब आदमी, मुर्दे की जियारत को क्या पाओगे जाके? मेहदी ने कहा कि मेरा मौला आम इंसान नहीं है, नजिस चीज उनकी बारगाह में जा नहीं सकती, इतनी अजीम जात है। आज भी कुछ इस अंदाज से मेहदी ने कहा कि नादिर के दिमाग में कहा मैं भी चलूंगा। अब साहब एक बर्तन में शराब, नजीस है ना, एक बर्तन में शराब रखी गई, सील किया गया, एक कुत्ता लिया गया, चल पड़े। जैसे ही हरम का अहाता आया, सिपाही अपनी तरफ खींच रहे, कुत्ता अपनी तरफ खींच रहा है। कुत्ते में ताकत ज्यादा है, ये चार चार सिपाही खींच रहे हैं। जंजीर टूट गई, कुत्ता उल्टे पांव भागा। कह ये बात तो ठीक है लेकिन शराब तो अंदर आ गई है। मेहदी ने कहा खोलो, अब जो सील तोड़ी गई तो मालूम है तो सिरका, शराब उसमें है ही नहीं। इस चीज को देख करके नादिर बड़ा जज्बाती हुआ, आया हरम अमीरुल मोमिनीन में, कब्र में मौला पर, जो ताज जीत के ले गया था यहां से, उसने अपना ताज कब्र मौला पर रख दिया। कहता आका तुम हो, मौला तुम हो, शाह तुम हो, तुम्हारी बारगाह इस लायक नहीं है कि यहां कुत्ते लाए जाए। जो लोग थे उनसे कहा मुझे मेरे हाथ में बांधो रस्सी, कुत्ते की तरह ले चलो अली की बारगाह। अब किसी की हिम्मत ना पड़े, अभी ताजा ताजा मौजजा देखा है, कल को जो हाथ बांधेगा उसकी खैर नहीं है। कहते हैं दस्ते गैब नमूदार हुआ, रस्सी बांधी हाथ में, लेके आए कब्र तक, ताज रख दिया, आका तुम हो, मौला तुम हो, मुझको तुम्हारी बारगाह में कुत्ते की तरह आना चाहिए। इसी के बाद से है समझे, उसने अपने नाम के साथ लगा लिया कल्ब अली। उसकी मोहर में यही जुमला था, कल्ब आस्तान अली नादिर शाह उली। अब यहां से नजफ से असल सुनाना, यह नजफ से जियारत वगैरह करके मेहदी ने देखा मामला दुरुस्त है, लेके आ गया करबला। इसको पहले लेके आया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में, एक एक चीज समझाना शुरू की, ये इमाम हुसैन की कब्र है, ये अली अकबर की कब्र है, ये हबीब इब्ने मज़ाहिर है, ये शुहदा है। सबकी जियारत वियारत करवाने के बाद अब लेके आया हजरत अब्बास की कब्र। ये किसकी कब्र है? का ये हुसैन के भाई अली के फरजंद अबुल फजल अब्बास की कब्र है। नादिर शाह के दिमाग में बात आई नहीं, कहने लगे जब ये अली के बेटे हैं, हुसैन के भाई हैं, तो जैसे असहाब की कब्र साथ में है, बेटे की कब्र पास में है, तो भाई दूर क्यों है? अब नादिर ने वो मेहदी ने लाख समझाना चाहा, उनकी ख्वाहिश थी, उनकी वसीयत थी, लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रहा। अचानक, अब यहां से सुनिए, अचानक शोर गिरिया बुलंद हुआ, क्या बात है? तो मेहदी ने कहा कि यहां तो अक्सर मुसीबत ज्यादा आते रहते हैं, किसी के ऊपर कोई आफत आई होगी, आया होगा अपने हालात को दुरुस्त करने के लिए। कहा बुलाओ देखो कौन है। एक लड़का जवान पकड़ के लाया गया। क्या बात है? कहने साहब हम करबला के पास के गांव के रहने वाले हैं, मुझे दिन की तरह याद है, रमजान उल मुबारक का महीना था, रात में जब ये मुतालिया कर रहा था मैं, खुदा शाहिद उठ के बैठ गया मैं पढ़ते पढ़ते, कि कितने खुशकिस्मत वो लोग हैं कि जिनके यहां इतनी अच्छी रस्में पाई जाती हैं। सुनाए आपको, कहा हम लोग करबला के पास के गांव के रहने वाले हैं, हमारे यहां रस्म यह है कि जब शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन को सीधे घर लेके नहीं जाता, पहले रुख्सत करा करके बावफा की बारगाह में हम लोग आते हैं, यहां एक दूसरे से वफादारी का अहद पैमान करते हैं, उसके बाद अपने घर जाते हैं। मेरी भी शादी हुई थी, गांव की रस्म के मुताबिक मैं अपनी बीवी को लेके घर के लिए करबला के लिए आ रहा था कि रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया, सारा मालो असबाब जो लूटा वो तो लूटा ही, मेरी बीवी को भी उठा के लेके चले गए, तो मैं कहां जाऊं, आया हूं यहां। नादिर शाह ने कहा कि बताओ कहां का वाकया, कल तक तेरी बीवी मिल जाएगी। ऐसा पक्का अकीदे वाला, कल्ला मुझको तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा जरा तमीज से बात करो, हिंदुस्तान से बड़ा जालिम बादशाह है, संभल के। उसके मुंह से निकल गया क्या मेरे मौला से ज्यादा ताकत इसके पास है। ये जुमला नादिर ने सुन लिया, कहने लगा ठीक है जाओ।
अगर कल तक तेरी बीवी नहीं मिली तेरी खैर नहीं है, बात खत्म हो गई। अब देखिए, अव्वल तो बीवी का गम, माल का गम, और अब अपनी जान पर भी आ गई है। आके गिर पड़ा कब्र अब्बास पर, आका अभी तक तो बीवी का सदमा था, अभी जालिम बादशाह की तलवार भी लटक रही है, चीख रहा है चीख रहा है। इतने में फिर शोर उठा, क्या हुआ? पता चला कि साहब जो है वो लगता है उसकी बीवी आ गई है, इसलिए वो एक औरत का हाथ पकड़े अब्बास की कब्र का तवाफ कर रहा है और शुक्रिया अदा कर रहा है। नादिर ने कहा बुला लाओ, आए। अब उसकी बीवी पूछे बताओ किस्सा क्या हुआ, तो जहां तक इसने सुनाया था उसने बीवी ने भी सुनाया। उसके बाद वो कहती है कि जब डाकुओं ने हमला कर लिया, मालो असबाब लूट लिया, मुझको भी लेके चले, तो अब तो मैं किसी से कुछ फरियाद कर नहीं सकती। जब कुछ नहीं समझ में आया तो मैंने वहीं से रुख किया करबला का। बात निकली थी, मैंने छेड़ा मांगने का सलीका, क्या कह के मांगा मालूम है? ए सक्का ए सकीना मेरी मदद करो, नहीं। ए बाबुल हवाइज मेरी मदद करो, नहीं। अजब जुमला कहा, कहती जब हर तरफ से मायूस हो गई मैं तो मैंने रुख किया करबला का और वहीं से चीख कहती हूं, ए ज़ैनब के भाई मेरी इज्जत तुम्हारे हवाले है, ए ज़ैनब के भाई मेरी इज्जत तुम्हारे हवाले। कहती जैसे ही मैंने ये जुमला कहा एक सवार नमूदार हुआ, सारे दुश्मनों को तहे देख दिया। अचानक क्या देखती हूँ, करबला में अब्बास के कब्र के पास अपने शौहर के करीब खड़ी, अल्लाह हू अकबर। बस बात वही है मांगने का सही।